अगर व्यक्ति का कोई अंग में फड़कन होता है, फड़कता है, तो उससे कौन सा संकेत होता है? कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे अंग फड़कने लगते हैं तो हम सोचते हैं इसका क्या अर्थ है, कैसा परिणाम मिलेगा। कई बार कहीं जाते जाते, यात्रा करते करते आँख में फड़कन होता है, तो उस समय हम सोचते हैं डर जाते इसका क्या संकेत होगा। और ऐसा होने से कई यात्रा असफल तो नहीं होगा, कई अशुभ तो नहीं होगा, हम सोचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कौन से अंग फड़कने से क्या संकेत हमें मिलता है। अगर विस्तार से बताया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक अंग के विस्तृत रूप में विस्तार से वर्णन करना अभी संभव नहीं होगा। तो आपको कुछ विशेष चीज़ें बस बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि कभी किसी व्यक्ति को सिर में फड़कन हो जाए, सिर फड़कने लगे, तो उसका मतलब सौभाग्य सूचक माना गया है। सिर में फड़कन होना सौभाग्य सूचक है। और यदि व्यक्ति को सिर के दोनों भाग में फड़कन महसूस हो, फड़कने लगे, तो धन की प्राप्ति। और या फिर मात्र दाहिनी ओर ही फड़कन हो तो किसी यात्रा का योग, यात्रा पर जाना होता है। दाहिनी ओर सिर के दाहिनी ओर फड़कन हो तो यात्रा का योग बनता है। और उसके बाद भौं की बात करें, सिर के कुछ बातें हमने आपको बताया। और कभी कभी हमारे आँख तो हर व्यक्ति का फड़कता है, सभी को आँख का पता होगा, लेकिन लिखा गया कि बहुत सारे अंगों की वर्णन है, लेकिन हमने कुछ दो तीन अंगों के बारे में बस आपको बताना चाहा। कभी भौं में फड़कन हो, और कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की दाहिनी ओर की भौं में फड़कन हो, दाहिनी ओर की भौं फड़के, तो ख्याति मिलती है। और इसके साथ में दाहिनी आँख में भी फड़कन हो, दाहिनी आँख भी फड़के, तो समस्त अभिलाषाएँ पूरी हो जाती हैं। दाहिने भौं एवं साथ में आँख भी फड़के, तो उसके बारे में हमने बताया। ठीक उसी प्रकार बाई ओर की भौं फड़कना मित्र से मिलने की सूचना देता है। बाई ओर की भौं फड़कना मित्र से मिलने की सूचना देता है। और साथ में आँख में भी फड़कन महसूस हो, आँख भी फड़के, तो शुभ समाचार मिलता है। ये अंग फड़कने के कुछ शुभ या अशुभ संकेत आज हमने आपको बताया। प्यार से बोल दीजिए ना।